हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है सबके। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपके अपने यूके 20 पंथ ब्लॉग्स में। और एक दो दिन के ब्रेक लेने के बाद फिर से आ गए हूँ आपके सामने एक नए सुबह के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली है मेरा कुछ अपना पर्सनल काम है। और दिल्ली कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, वो सारा अपडेट आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों अपने फैमिलियों के साथ। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो से पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं दिल्ली की तरफ और कैसे कैसे हम जाएंगे, कौन कौन से रास्तों से हम जाएंगे और कितने हम ऑटो या टैक्सी चेंज करेंगे, बस चेंज करेंगे, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं बैठ चुका हूँ ग्रामीण सेवा में अपने यहाँ से। कुछ इस तरह की ग्रामीण सेवा होती है, देखिए अंदर की सीट है, देखिए अभी छोटी छोटी सीटें होती हैं यहाँ पे। और इसमें अर्जेंट होके जाना होता है, इसमें 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 लोग बैठ के जाते हैं पीछे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ सीधे खजूरी पे। खजूरी से फिर कहाँ जाना है आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ खजूरी। और खजूरी करके ही मुझे जहाँ जाना है वहाँ के लिए कैब मिलेगी। कैब में जो ग्रामीण सेवा या फिर ऑटो टेम्पो जो भी मिलेगा वहीं पर जाके मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑफिस टाइम है तो पिक आवर्स में काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन पहले से काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे कम हो चुका है। पहले काफ़ी ट्रैफिक रहता था इस साइड में और इस टाइम पर यह ट्रैफिक काफ़ी कम है, रोड खुला हुआ है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैफिक पहले लगता हो लेकिन इस टाइम पे लग नहीं रहा है। और देखते हैं आगे जा करके, रोड क्रॉस करते हैं, पहले देखते हैं ऑटो मिलता है नहीं मिलता है, अब आपको मैं बताता हूँ। ऑटो मैं देखते हैं, यहाँ से मैंने देख लिया और हम निकल गए हैं यहाँ से। जाएंगे लाल किला, लाल किला से निकल जाएंगे 40 मानते हैं फिर आपसे क्या खरीदूँगा वो सारा आपके दोस्तों। मैं पहुँच चुका हूँ अभी लाल किला और सामने चांदनी चौक है, मंदिर है, ये देखिए श्री जितेंद्र जैन लाल मंदिर। और ये सामने अपना चांदनी चौक और सामने ये गुरुद्वारा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे मार्केट है और ये पब्लिक पूरी भीड़ भाड़ यहाँ पे लगी हुई है। और सामने ही अपना है लाल किला, ये देखिए ये लाल किला है। और टूरिस्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है, अभी 10 बज रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। वो इसलिए अच्छा लग रहा है, आसमान और बादल देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। और सामने अपना ये भारत की शान तिरंगा। और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ अभी कम से कम लॉकडाउन के बाद, अब यहाँ पे पहुँचा हूँ। इससे पहले मैं कभी नहीं आया, पहले आता था टूरिस्ट घुमाने के, लॉकडाउन से पहले आया था, उसके बाद भी लोकल काम कभी किया नहीं तो यहाँ पे आ नहीं पाया। अभी फ़िलहाल सामने देख रहे हैं मेरे पीछे आप लाल किला, काफ़ी अच्छा काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। और अभी चलते हैं चांदनी चौक में, कुछ काम के लिए आया हूँ, पहले वो काम निकाल लेता हूँ। और क्या काम करने के लिए आया हूँ, क्या खरीदने के लिए आया हूँ, वो सारा अपडेट आपको देता हूँ। पहले हम कर लेते हैं रोड क्रॉस, चलिए मिलता हूँ मैं आपको सीधे चांदनी चौक की मार्केट में। इस तरह से यहाँ पर मार्केट वगैरह लग चुकी है कपड़ों की, आप देख सकते हैं ये सारे कपड़ों की यहाँ पर दुकान वगैरह लगी हुई है। और ये चांदनी चौक है लाल किला के जस्ट सामने, ये कुछ इस तरह की दुकानें हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30, मार्केट खुलना स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप सब कुछ आपको मिल सकता है, लेदर जैकेट से लेके जीन्स वीन्स टी शर्ट टी-शर्ट लेडीज़ जेंट्स बच्चों के जूते वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप ले सकते हैं। जीन्स वगैरह ये सामने टिकी हुई है। इस तरह से यहाँ पे जूतों की यहाँ पे सेल लगी हुई है, देखिए ब्रांडेड जूते हैं, सिर्फ आपको छाटना है और यहाँ पे आपको लेना है।
ये सारी यहाँ पे दुकान वगैरह लेडीज सूट वगैरह की सारी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और मेरे को भी इधर ही किसी दुकान में जाना है, देखता हूँ मेरा काम बनता नहीं बनता। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कपड़े वगैरह ले सकते हैं आप, आपको मिल सकता है, बस क्वालिटी आपको पहचान में आनी चाहिए, बाकी सारा यहाँ पर मिल सकता है आपको। हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। दोस्तों मैं आ गया था चांदनी चौक से, 3 बजे घर पहुँच गया था, और 3 बजे घर पहुँचने का खाना खा के थोड़ा सा सो गया था, आराम कर रहा था। उसके बाद अपनी गाड़ी धोनी थी, गाड़ी अपनी धो ली है, साफ सफाई कर ली है गाड़ी के अंदर से बाहर से। और कल मैं निकल रहा हूँ एक लंबे टूर पे, लंबा ट्रिप है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड में कहाँ जा रहा हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, और कस्टमर लोग गेस्ट जो है हमारे आने वाले कौन हैं, तो सारा कुछ आपको इंट्रो में कल ही कराऊंगा, परसों आप देख पाएंगे। और तब तक के लिए आप वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ। और चांदनी चौक में आज वीडियो बनाते वक्त मेरे साथ एक ट्रेजडी हुई, ट्रेजडी क्या हुई कि जब वीडियो बना रहा था वहाँ पर लोग जो दुकान वाले थे रेहड़ी पटरी वाले, वो लोग सारे घबरा गए थे। तो जब वीडियो मैंने पूरी बना ली, उसके बाद जब छोटी सी क्लिप बनाई थी, उसके बाद उन्होंने मेरे को एक बंदे ने रोका, दुकान वाले ने, मैंने इसकी वीडियो ऑफ करा तो मैंने बोला हाँ जी बोलो, उन्होंने बोला भैया कहाँ से हो, क्या हो, क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ये है वो है। तो मैंने उनको बताया कि मेरा अपना ब्लॉग चैनल है, यूट्यूब में चैनल है, तो मैं उसके लिए मैं अपने वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उनको मैंने वीडियो वगैरह दिखाया, तो यूट्यूब अपना चैनल खोल के दिखाया, तो सर्टिफाइड हो गए उन्होंने, फिर कुछ नहीं बोला। मैंने क्या बात होगी, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोगों पे यहाँ पे कोई वीडियो बना के लेके जाता है और पुलिस प्रशासन को देता है, उसके बाद पुलिस कमेटी वगैरह आकर के नगर निगम आकर के हमें परेशान करती रहती है, हमारी दुकान उठा कर ले जाती है। तो फिर मैंने कोई ज़्यादा वीडियो वहाँ पे शूट करी नहीं, जो छोटी मोटी क्लिप है वो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपने फैमिली के साथ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय माता दी।